प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों को दी जा रही अनेक सुविधाएं, जिसमें खाद बीज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने किसान को हर संभव प्रयास कर खाद को मुहैया करा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर किसानों को खाद ना देकर बल्कि ब्लैक करके बड़े हुए पैसा लेकर सरकार को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसा ही एक मामला बेवर के ब्लॉक के पास जीटी रोड पर डीएपी खाद की सरकारी गोदाम में वितरण का कार्य किया जा रहा है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। किसान सुबह से ही आकर शाम तक खड़ा रहता है, मगर खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण खाद ब्लैक भी की जा रही है। किसानों ने यह बताया कि हमको 1200 रुपए की एक डीएपी की बोरी 1500 रुपए में मिल रही है, वहीं पर राकेश और देवेंद्र के द्वारा दी जा रही है, उसके बाद भी अपने चहेतों को खाद वितरण की जा रही है। किसान परेशान है, वितरणकर्ता देवेंद्र और राकेश धन उगाही का साधन बने हुए हैं। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही, अधिकारी किसानों को 1200 रुपए की डीएपी की एक बोरी 1500 रुपए में किसानों को बमुश्किल दी जा रही है। किसान ने खुद कहा कि कर्मचारी अपने चहेतों को दे रहे हैं, एक आधार पर दो बोरी दी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि मैनपी कस्बा बेवर में सरकारी गोदाम में खाद बांटी जा रही है और खाद से विक्रेता देवेंद्र और राकेश अपने मनमाने ढंग से खाद को कैसे दे रहे हैं, आइए देखते हैं। मोहित कुमार की रिपोर्ट मैनपी से। खाद मिल नहीं रही, परेशान है वो किसान, हमारी सरकार हो भैया। खाद क्यों नहीं मिल रही यहाँ पर? क्यों नहीं मिल रही? क्या मिल रही नहीं, कोई तो ये क्या कह रहे हैं आपसे ये लोग? आप बताएं क्या है यहाँ पर? खाद लेना है, खाद मिल जाएगा। तो खाद मिल क्यों नहीं, आ नहीं रही क्या? एक हफ्ता बाद तो आज आई है खाद। अच्छा, तो लाइन में लगे भैया। कब से लाइन में लगे आप? दो घंटे हो गए लाइन में लगे। आपका नाम क्या है? श्रीराम है। क्या समस्या है यहाँ पर? खाद क्यों नहीं मिल रही है? लाइन में कब से लगे आप? 11-12 बजे की। तो ये लोग क्या कह रहे हैं आपसे? अच्छा, पहुँच नहीं पा रहे हो। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है भाई साहब आपकी? खाद क्यों नहीं मिल रही? नहीं, कुछ तो होगा खाद, क्या वजह है ये? पंद्रह सौ की दे रही बोरी क्या? अच्छा, ऐसे आदमी हमारे चपरासी भी नहीं तो हमारे नीचे रहते यार, भाई भैया लोगों ने किया, हमें जानते नहीं कि कहाँ। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम सुभाष चंद। क्या समस्या है यहाँ पर? खाद की भारी किल्लत। किस लिए? भीड़ की वजह से, आलू की वजह से। अरे नहीं, वो तो आलू की वजह से मिल क्यों नहीं, भीड़ क्यों है इतनी ज्यादा? तो जाने भीतर वाले कायदों नहीं। आप कब से लगे यहाँ पर? दो घंटा हुए, ढाई घंटे। दो घंटे हो गए। हाँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा अरविंद कुमार। बोरी कितने की दे रही है लोग? वो तो अब पहुँचे कहाँ है वो ना।